न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है बेटा? तो फोर्स को हम पुश और पुल की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जो कि यदि कोई बॉडी रेस्ट पर है तो उसे मोशन में ला देता है या फिर लाने की कोशिश करता है। यदि कोई बॉडी आपकी रुकी हुई है तो उसे मूव कराने की कोशिश कराता है, या मतलब ये मूव करा देता है। या कोई बॉडी आपकी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे आप किसी शेप की कोई बॉडी है कहीं पर भी, या गीली मिट्टी है, आपने उस पर ऐसे फोर्स लगा दिया तो क्या उसका उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है? रबर की बॉल है, उसमें आप फोर्स लगाएंगे वो दब जाएगी। तो फोर्स को हम ये भी बोल सकते हैं कि इट प्रोड्यूसेस अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। क्लियर है? तो इट इज एन एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ पुल और पुश which first produces or tries to produce or tries to produce motion in a body at rest. Motion in a body at rest. Second, stops or tries to stop a moving body. Stops or tries to stop a moving body. Changes or tries to change the direction of motion of body produces a change in the shape of the body. Produces a change in the shape of देखो बेटा फोर्स के डेफिनेशन में किसी को डाउट हो तो पूछ लो आप लोग। क्लियर है सभी को? यस सर। वेरी गुड, नोट हो गया, आगे चले हम लोग। यस सर। यस सर। नाउ यूनिट्स ऑफ फोर्स। तो बेटा फोर्स की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है फोर्स की? बोलो। केजी मीटर पर सेकंड। न्यूटन या फिर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। CGS यूनिट क्या होती है फोर्स की? डाइन, ग्राम प्रति मीटर पर स्क्वायर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 न्यूटन बेटा कितने डाइन होते हैं? हम लोग ड्राइव कर चुके हैं बेटा यूनिट एंड डायमेंशन में। ड्राइव किया था, याद है कन्वर्जन ऑफ यूनिट में? वन न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन। कई बार क्या होता है बेटा आपको क्वेश्चंस में
फोर्स किलोग्राम फोर्स में गिवन होता है। तो किलोग्राम फोर्स में यदि फोर्स गिवन है या फिर किलोग्राम फोर्स में आपको कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे कि जो आपको फोर्स न्यूटन में गिवन है उसे हम उसमें हम जी से डिवाइड कर देते हैं, या फिर किलोग्राम फोर्स में गिवन है तो हम उसे जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स न्यूटन में आ जाएगा, और न्यूटन में गिवन है तो हम क्या करेंगे उसे जी से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम फोर्स में आ जाएगा। नोट कर लीजिए। Now fundamental forces, first one is gravitational force को define करें बेटा। gravitational force को कैसे define किया जा सकता है कि suppose दो bodies हैं जिनका mass m1 और m2 है, उनके बीच में यदि separation r है, suppose two bodies of mass m1 and m2 are separated by a distance r, then force of attraction, gravitation force beta hamesha kya hota hai, it is always attractive in nature, is equals to g m1 m2 upon r square। bilkul bhi pareshan hone ki zarurat nahi hai, hum pura chapter hi padhenge gravitation kafi detail mein। यहाँ पर बेटा जी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10^-11। बताओ यूनिट क्या हो जाएगी, जी जी की यूनिट क्या हो जाएगी, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। तो ये बेटा क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, किलोग्राम नहीं पर किलोग्राम स्क्वायर। ये हो गया बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज है, इसे नोट कर लीजिए फिर मैं नोट कराऊं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, और ये वीकेस्ट फोर्स है, इट इज वीकेस्ट फोर्स एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। दूसरा बेटा क्या है कि इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब यदि कोई बॉडी कितनी भी डिस्टेंस पर हो बेटा, यदि उनके पास मास है तो उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। वो बहुत कम हो सकता है इतना कम हो कि उससे कोई सिग्निफिकेंस ही ना हो उसका, लेकिन हमेशा ये आपके इनके बीच, इफ टू बॉडीज आर हैविंग सम मास एंड दे आर एट अ वेरी वेरी लार्ज डिस्टेंस, तब भी उनके बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बात क्लियर है? तो इट इज अ वेरी लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज यदि कहीं पर लिखा हुआ मिला करे, इसका मतलब क्या होता है बेटा कि उन बॉडीज के बीच में जिनके लिए फोर्स डिफाइन किया गया है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो ज्यादा सेपरेशन पर भी ये फोर्स आपका एक्ट करता है। नेक्स्ट, दो बॉडी जिनका मास m1 m2 है, तो इनके बीच में जो भी बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स। मतलब दो बॉडीज हैं हमारी जिनका मास m1 m2 है, ठीक है, अब इनके बीच में सेपरेशन आर है, फोर्स हमारा आ गया जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इनके बीच में कोई भी मीडियम फिल कर दो आप, एयर की जगह यहां पर आपका पानी हो, कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम कुछ भी हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स।
क्लियर है बेटा? तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल्स. सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. तो बेटा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन द पार्टिकल्स. 12th क्लास में हम लोग बेटा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक. उसमें जो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है, यदि चार्जेस सेम है मतलब लाइक चार्जेस हैं, दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव है, उनके बीच में बेटा रिपल्सिव फोर्स सॉरी अट्रैक्टिव फोर्स होगा और एक एक दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव है तो रिपल्सिव होगा और एक पॉजिटिव और एक माइनस है तो बेटा उनके बीच में फोर्स अट्रैक्टिव होगा. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके वजह से होता है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज ड्यू टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल्स. इट इज ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स. अब कुछ पॉइंट की बात करें जो कि मैंने अभी आपको बताया. ये बेटा क्या होगा? इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सर. इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. ये बेटा अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है. अगेन इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स. इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स थर्ड It depends upon the nature of the medium present between the particles. It depends on the nature of medium between charged particles. जितने भी बेटा मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ दी फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल के अलावा, जैसे कि टेंशन इन द रोप, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, स्प्रिंग फोर्स, ये सारे फोर्सेस बेटा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस. नोट कर लो बेटा इसे आप. नेक्स्ट टाइप ऑफ द फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स. नेक्स्ट है बेटा न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स बेटा क्या होता है? इट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स. क्यों बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स है? न्यूक्लियस के अंदर बेटा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बने रहते हैं, जबकि उनके क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड रहते हैं. इनके बीच में सेपरेशन क्या है बेटा? बहुत ही कम सेपरेशन है. जब सेपरेशन कम होता है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो काफी ज्यादा होगा, तब भी वो अंदर ही बने रहते हैं. मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर जो फोर्स है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से काफी ज्यादा होगा.
तभी तो वो न्यूक्लियॉन्स को एक ही साथ रख पाता न्यूक्लियस के अंदर, नहीं तो न्यूक्लियॉन्स आपके न्यूक्लियस के अंदर कैसे रहते। प्रोटॉन जितने हैं बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कैसा होगा, रिपल्सन फोर्स होगा। इलेक्ट्रॉन, जब प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स है तो ये तब भी तो न्यूक्लियस से बाहर थोड़ी है, न्यूक्लियस के अंदर ही बने रह जाते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है जो कि न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस के अंदर रखता है जबकि उनके बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये सिर्फ आपके स्मॉल डिस्टेंस तक वर्क करता है, इसके बाद कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स विल बी नेग्लिजिबल। तो इसमें नोट कीजिए बेटा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, इट कीप्स न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब जानते हो बेटा, न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स together inside the nucleus in spite of large electric repulsion। It acts within the nucleus up to a very small distance। नोट कर लिया बेटा, यस सर, हो गया। नेक्स्ट इज वीक फोर्स, ये क्या करता है बेटा, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच एक्ट करता है, जैसे आपका प्रोटॉन प्रोटॉन हो गया, इसकी वैल्यू काफी कम होती है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होती है। इट एक्ट्स बिटवीन, it acts between two elementary particles, सबसे ज्यादा बेटा क्या होता है आपका न्यूक्लियस फोर्स है उसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, देन इसके बाद बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इसके बाद बेटा वीक फोर्सेस, देन ग्रेविटेशनल फोर्सेस। इनका रेशियो क्या होता है बेटा, 1:10^-2, 10^-7, 10^-38। आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वीक है। चक्कर में नहीं पढ़ो, वो चक्कर में नहीं पढ़ो, ये तो मैं कभी लिखवाता ही नहीं हूँ, मैंने इस बार लिखवा दिया आप लोगों को, तो फालतू की कहानी है, जो आप चैप्टर खोलते हो सबसे पहले लिखा होता है, ना ही आपसे ये कभी पूछा जाएगा, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको पता हो, ऐसा थोड़ी होता है कि इनमें क्या अंतर है। जैसे आपको मैंने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बताया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में इसके अलावा टेंशन फोर्स भी इंक्लूड कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी इंक्लूड कर दिया। तो वीक फोर्स तो क्या होगा, जिनके बीच में मैग्नीट्यूड बहुत मतलब कम है, जब कम है तो उसे वीक फोर्स बोल दिया गया, एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में।
एलिमेंट्री का मतलब क्या, तो बिल्डिंग ब्लॉक। जैसे आपसे बोला जाए कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो एलिमेंट क्या है उसका, ईंट है ये। तो कोई जब सब्सटेंसेस आपके पार्टिकल बने, जो आपका कोई मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो उसका बेटा एलिमेंट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो जाएंगे कि नहीं? Yes. नहीं, ऐसे ही है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट। सबसे पहले बेटा फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स को मैं आपको सबसे अच्छी तरीके समझा सकता हूं मैग्नेटिज्म की हेल्प से। कैसे, जैसे आप कोई मैग्नेट लें और मैग्नेट को जैसे आप रखते हैं, यदि छोटी मैग्नेट रखते हैं या बड़ी मैग्नेट, कोई भी आपने मैग्नेट रखी, तो जब उसके पास किसी लोहे को टुकड़े को लेके आते हैं तो मैग्नेट अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है ना। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आप कहीं भी मैग्नेट रखी हो और जाके वहां से लोहा चिपक जाएगा? उसकी रेंज में लेके आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? सपोज यहाँ मैग्नेट रखी है तो हो सकता है सिर्फ यहाँ तक के ही पार्टिकल्स को कवर कर रही हो, मतलब इतने तक के ही पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर रही हो, इसके बाहर वालों को अट्रैक्ट ना करे। मैग्नेट की साइज बढ़ा दोगे तो और ज्यादा दूर वालों को भी अपने पास अट्रैक्ट करने लग जाएगी। तो ये जो स्पेस है, जो ये स्पेस है मैग्नेट के चारों तरफ की, जिसमें मैग्नेट एक फोर्स लगा रही है, बात समझ रहे हो ना, इस फील्ड को बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड, और इस फोर्स को बोलेंगे हम फील्ड फोर्स। जैसे आपकी कोई मैग्नेट है बेटा, तो मैग्नेट का कोई एरिया तो होगा ना चारों तरफ, जिसमें वो कोई दूसरा पार्टिकल होगा उससे अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा थोड़ी कहीं के भी पार्टिकल्स को लाओगे वो सबके सब अट्रैक्ट हो जाएंगे, नहीं होता है ना ऐसा। तो जितने स्पेस में वो अट्रैक्ट कर लेगा, मतलब मैग्नेट जैसी पार्टिकल, सपोज ये मैग्नेट यहां तक अट्रैक्ट कर रही है, इसके बाद इधर अंदर किसी पार्टिकल को लेके आएंगे तो मैग्नेट क्या इसे अपनी तरफ खींच नहीं लेगी? खींच लेगी कि नहीं खींच लेगी? दिस इज कॉल्ड फील्ड फोर्स। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी ऐसा होता है कि यदि किसी चार्ज पार्टिकल को हम स्पेस में रख देते हैं तो वो चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, वो भी एक टाइप का फील्ड फोर्स है। सेम यदि कहीं पर हम एक मैग्नेट रख दे तो मैग्नेट बेटा अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड क्रिएट कर लेगी। उस स्पेस में यदि हम किसी मैग्नेटिक मटेरियल को या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं तो उस पर एक फोर्स लगेगा मैग्नेट की वजह से, एंड इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स सभी को क्लियर है? अरे बोलोगे क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट इज फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स बेटा क्या होते हैं? तो फील्ड फोर्स विच एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस बाय इंट्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट within the field, produced by other object is called field force. अब फिर से यहां कंफ्यूज ना हो, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके? एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी बेटा क्या है आपका? फील्ड फोर्स है। तो इनको अलग अलग बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी बेटा क्या है आपका? फील्ड फोर्स। नोट कर लीजिए, इसके बाद हेडिंग लिखना है आपको कॉन्टेक्ट फोर्स।
कॉन्टेक्ट फोर्स बेटा तीन टाइप के होते हैं, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, टेंशन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जैसे अब आप दीवार को धक्का दें या आप दीवार पर जोर से हाथ मार दें तो हमें भी क्या होता है, हाथ में चोट लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि जितना फोर्स आपने दीवार पे लगाया उतना ही नॉर्मल रिएक्शन, एक नॉर्मल फोर्स एग्जर्ट होता है उस बॉडी पर। सपोज किसी बॉडी को हम यदि जमीन पर रखते हैं, यदि बॉडी को जमीन पर रखेंगे तो इस बॉडी पर जमीन के द्वारा एक नॉर्मल फोर्स लगता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। इसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। कोई रस्सी है बेटा, रस्सी को यदि आप खींचेंगे तो रस्सी तन जाएगी, स्ट्रेस होगी जब रस्सी, तो उसमें बेटा एक फोर्स क्रिएट हो जाता है एंड डेट फोर्स इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। इसी तरीके से यदि किसी बॉडी को हम किसी सरफेस में मूव कराते हैं तो उसमें एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स आप लोग वाकिफ, सभी लोग अच्छे से जानते हो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। तो ये तीन टाइप के बेटा कॉन्टेक्ट फोर्स होते हैं। जब दो बॉडीज को हम कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं तभी आपका ये फोर्स लगता है। तो व्हेन टू बॉडीज, व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टेक्ट, व्हेन टू बॉडीज कम इन कॉन्टेक्ट दे एग्जर्ट कॉन्टेक्ट फोर्सेस, दे एग्जर्ट कॉन्टेक्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, एग्जाम्पल। हाँ बोलो सर, ये बॉडीज के बाद क्या लिखा? कम इन कॉन्टेक्ट। ओके सर। अब सही है? तो नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स एंड फ्रिक्शन। तो नॉर्मल फोर्स बेटा क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? टेंजेंशियल टू द सरफेस। और टेंशन आपको बताया, जब किसी रस्सी को हम खींचते हैं तो उसमें आपकी टेंशन डेवलप हो जाती है। तो फर्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स बेटा क्या है? इट इज, इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस perpendicular to the surface at the point of contact, at the point of contact। dusra beta friction force, ye beta kaise act karta hai? जैसे आप किसी चीज को खींचे, जमीन पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसे आप ऐसे खींचेंगे तो बेटा फ्रिक्शन फोर्स ऐसे टेंजेंशियल ही लगेगा। तो इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस, इट एक्ट्स टेंजेंशियल टू द सरफेस। एंड थर्ड इज टेंशन। टेंशन बेटा क्या है? कब आती है टेंशन? जब किसी स्ट्रिंग को हम पुल कर देते हैं। तो इट अराइजेस व्हेन अ स्ट्रिंग इज पुल्ड, लीजिएगा